अमृतसर में स्थापित किए जाने वाली आईआईएम की बातें अब राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी हैं, जिसके बाद अब पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने इस संबंध में जहां पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आईआईएम को अमृतसर में ही स्थापित करने की मांग की है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि आईआईएम जैसे बड़े शैक्षिक संस्थान को यहाँ से कहीं और जाने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से अमृतसर में स्थापित किए जाने वाले आईआईएम को जगह न मिलने का बहाना बनाकर अमृतसर से कहीं और ले जाए जाने की बातें राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी हैं, जिसके बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने इस संबंध में जहां पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आईआईएम को अमृतसर में ही स्थापित करने की मांग की है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि आईआईएम जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान को यहाँ से कहीं और स्थानांतरित नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी बात की है और वह इस मामले पर अगले कुछ दिनों में अमृतसर आकर भी विचार करेंगे। आईआईएम जड़ा वा उदा मैं सीएम साहब नु चिट्ठी लिखी सी पहला एक मैंने बहुत सारी एनजीओ मिली हैं, पर मेरी ड्यूटी भी है, मैं सरकार च भी हाँ तो मैं लोगों का नुमाइंदा भी हाँ चुनिया हुआ, इस करके उन्होंने चिट्ठी लिखने तो बाद फिर मैं माननीय जेटली जी नूं संडे मिलिया सी जाके वह आने वाले 10-15 दिनों इतने पहुँचे उन्होंने एश्योरेंस दवाई है कि ये अमृतसर ही लगेगा। इससे पहले अनिल जोशी ने केंद्र सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इस संबंधी एक फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। अनिल जोशी ने कहा कि एक वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने अपने किए हुए वादों में से अधिकांश वादे पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर तो प्रसार हो ही रहा है, लेकिन जो लोग इन उपलब्धियों के बारे में नहीं जान पाए या जिन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हासिल हो पाई है, उन तक पहुँचाने के लिए इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह तक इस फोटो एग्जीबिशन को यहीं पर लगाया जाएगा और इसके बाद गांवों में और गलियारों और बाजारों में भी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी का एक साल एक स्वर्णिम साल है, जिदे 68 सालों नालों वध एक साल दे विच उन्होंने करके विखाता, जिहड़ी 68 साल पहला जो आज़ादी मिली सी उदों नींव रखी जानी चाहिए सी, भारत के विकास की भारत की शक्ति की वो नहीं रखी गई, तो मोदी जी ने यह जी नींव है हूँ शुरू की है, जिदे बहुत भव्य किला बनना, मजबूत किला बनना, जिन्हें दुनिया के फिर हिंदुस्तान नू सोने की चिड़ी बनाना, जिन्हें फिर हिंदुस्तान नू दुनिया का सिरमौर देश बनाना। कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी अमृतसर में केंद्र सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को दर्शाती एक फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ कौमिता मिन्हास, डीएन नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।